सीखने के दो तरीके हैं। एक मैं एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ आपको। सपोज़ आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आपने वो प्रोडक्ट सोचा और आप अब ये देख रहे हो कि प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या टूल्स चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए मुझ में खुद में। आप वो स्किल्स सीखते हो, आप वो इक्विपमेंट्स टूल्स गैदर करते हो, उनको किस तरह से यूज़ करना है ये देखते हो और वो सीखते हो। ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका ये है, आप स्किल्स एक्वायर करते हो पहले, आप टूल्स कैसे यूज़ करना है ये सीखते हो पहले, और फिर आप जब स्किल्स एक्वायर कर लेते हो, टूल्स आप कैसे यूज़ करना है सीख लेते हो, तब आप सोचते हो इन सब का इस्तेमाल करके अब मैं क्या प्रोडक्ट बना सकता हूँ। सेकेंड वाला जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस यानी एजुकेशन सिस्टम में, वही ज़्यादा यूज़ होता है। तो यूज़फुल दोनों ही वेज़ हैं। अब आपको चुनना है कि कौन सा प्रोसेस सही है। मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रोसेस ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है। आप एक प्रोडक्ट या आप एक डेस्टिनी डिसाइड करते हो और वहाँ जाने के लिए आपको क्या करना है, आप वो सीखते हो और आप वो एक्ट करते हो। आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो बनाते हो। आई होप ये लेसन आपके काम आएगा, बहुत काम आएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट करियर लाइफ लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को